आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्लेमर भी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, फ्री है, नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा। ये है इनके स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फिगर्स, सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में। इनकम की अगर हम बात करें तो करीब करीब 2,22,000, लास्ट क्वार्टर 2,15,000 और लास्ट ईयर 23 लाख। ओके, अब की बार 22 लाख है, लास्ट ईयर 23 लाख है और लास्ट क्वार्टर 21 लाख थी। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, प्रोविजनिंग की बात करें कि प्रोविजनिंग कितनी करनी पड़ी है, तो 33 लाख की करनी पड़ी है, 3,34,000 की। लास्ट क्वार्टर 3,24,000 था और लास्ट ईयर 5,22,000 था। तो वाई एन वाई तो प्रोविजनिंग घटा है, क्यू ऑन क्यू हल्का सा प्रोविजनिंग बढ़ता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें, तो जो नॉट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया है 1,15,000 का आया है, लास्ट क्वार्टर 1,20,000 का था, लास्ट ईयर 58,000 का था। वाई एन वाई तो शानदार रिजल्ट आए हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस के ऊपर रिजल्ट थोड़े से खराब आते हुए देखने को मिले हैं। प्रोविजनिंग भी क्योंकि पब्लिक बैंक है तो ठीक है। अगर हम बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस में भी वाई ऑन वाई तो अच्छी खासी ग्रोथ है और क्यू ऑन क्यू भी आपको ईपीएस में ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉफिट्स के अंदर आपको क्यू ऑन क्यू थोड़े से प्रॉफिट्स कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब।